हाय गाइस, कमलेश कुशवाहा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। के स्टडी ट्विटर से सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मैथन समावर्तक पर आधारित प्रश्न, एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चंस, ट्रिकी सॉल्यूशन इन हिंदी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400, 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते हैं। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर 6 और 4 शेष बचते हैं। 2400 - 6 = 2394 and 1810 - 4 = 1806। इनका एच अभी संख्या 2394 एवं 1806 है। इनका महत्तम समार्थक आएगा 42। अगला है, 10,000 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन है, 10,000 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48, 54 से पूर्ण विभाजित हो जाए। संख्या 32, 36, 48। सॉल्यूशन है 32, 36, 48, 54 का लघुत्तम समावर्तक है 864। अतः बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी गई थी 10,000 में से एलसीएम आया था 864 को माइनस कर देंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी 9136, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसने 38, 45, 52 से भाग देने पर क्रम से 2, 3 एवं 4 शेष बचते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मोस्टली छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो ज़्यादातर गलतियों पर गलती करते हैं। तो चलिए, वह क्वेश्चन है, वह छोट सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 एवं 52 से भाग देने पर क्रम से 2, 3 एवं 5 बचते हैं। सॉल्यूशन इसका अभी संख्या 38 - 2, 2, 3 एवं 4 शेष बचने का, पहली संख्या में से 2 शेष, दूसरी में से 3, तीसरी में से 4 शेष बचते हैं। तो पहली संख्या है 38 - 2, दूसरी है 45 - 3, तीसरी है 52 - 4। तो अभी संख्या हो जाएगी 36, 42 एंड 48। इसका महत्तम समावर्तक आएगा, एचसीएफ आएगा 6। नेक्स्ट है, उस संख्या का अधिकतम मान बताएं जिससे 76, 151 एवं 226 से भाग देने पर शेष समान आते हों, वह सर्वनिष्ठ शेष भी बताएं। क्वेश्चन है, वह उस संख्या का अधिकतम मान बताएं जिससे 76, 51 एवं 226 में भाग देने पर शेष समान आते हों एवं वह सर्वनिष्ठ शेष भी बताएं। सॉल्यूशन इसका अभीष्ट अधिकतम संख्या 226 - 151, लास्ट थर्ड एंड सेकंड, 226 - 76, लास्ट एंड फर्स्ट एंड कॉमा, 151 - 76, सेकंड माइनस फर्स्ट का महत्तम समावर्तक 150, 75, 75 का महत्तम समावर्तक 75। अतः वह सर्वनिष्ठ शेष 76, 75 है, तो शेष 1 बचेगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 71, 68 है एवं उनका महत्तम समावर्तक HCF 16 है, तो संख्याएं बताएं। क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 71, 68 दिया गया है, उनका HCF 16 दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। माना कि संख्या 16A या 16B हैं, परस्पर अभाज्य भी हैं। अतः 16A × 16B = 71, 68 = 28। अब वे जोड़े देखते हैं जिनका गुणनफल 28 होता है, वे हैं 28, 1 व 7, 4 तथा 7, 4। अतः संख्याएं हो सकती हैं
448 16 या 112 64। उत्तर लघुत्तम समावर्त पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18 24 30 एवं 42 से भाग देने पर हर हाल में एक शेष बचता हो। क्वेश्चन दिया गया, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18 24 30 एवं 42 से भाग देने पर हर हाल में एक शेष बचता हो। अभी संख्या है तो उसकी 18 24 30 42 का लघुत्तम समावर्तक प्लस 1, 18 24 30 42 का एलसीएम आएगा 25 20 प्लस 1, तो संख्या हो जाएगी 2521, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 52 78 117 से भाग देने पर क्रमशः 33 59 98 शेष बचता हो। क्योंकि संख्या दी गई थी 52, में से कितना शेष बचना है, रिमेनिंग कितना है 33, 52 माइनस 33 इक्वल टू 19, पहली होगी 19 और दूसरी है 78 में से कितना माइनस बचना है, रिमेनिंग शेष बचना है 59, तो इसके ये कितना आएगा माइनस करके 19। और तीसरी संख्या है 117 में से 98 गए माइनस करेंगे तो बचेंगे 19, इसलिए अभी संख्याएँ दी गई हैं 52 78 117 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 19। 52 78 117 का जो एलसीएम है 468 है माइनस 19 करेंगे तो 449 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 6 7 8 9 एवं 10 से भाग देने पर शेष क्रम से 4 5 6 7 एवं 8 शेष बचता हो। क्योंकि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 6 7 8 9 एवं 10 का एलसीएम होगा 25 20। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999999, 999999 को 25 20 से भाग देने पर शेष बचता है 20 79। 999999 में से 20 79 को माइनस करेंगे तो 997920 रिमेनिंग बचेगा, इसीलिए अभी संख्या जो होगी 997920 माइनस 2, जो डिफरेंस था माइनस 2 किया वो आएगा 997918। नेक्स्ट है, दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में जिनका उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। माना कि संख्याओं का एचसीएफ ए है तो संख्या 5a तथा 6a होंगी, अतः 5a इंटू 6a इक्वल टू 120a, 30a इक्वल टू 120a इक्वल टू 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।